हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ये वायरल तरीन ग्रीन मास्क ट्राई आउट करने वाले हैं। आज ही मुझे पीआर में आया था और मैं फौरन से इसको लेके बैठ गई हूँ, क्योंकि मैंने इतनी वीडियोज देख ली हैं इसकी इंस्टाग्राम पे। ये आप स्किन पे ऐसे करके अप्लाई करते हैं, 10 मिनट के बाद आपकी स्किन पे छोटे छोटे से सीड्स आ जाते हैं, लेकिन वो वीडियोस देख के आपको लगता है जैसे इस मास्क ने आपकी स्किन में से जितनी भी डर्ट है, जितनी भी ब्लैक हेड्स हैं, उनको रिमूव कर दिया है और वो सारे आपकी सरफेस पे आ गए हैं। जब आप उस मास्क को उतारते हैं तो आपकी स्किन नीचे से बिल्कुल स्मूथ और आपके पोर्स गायब हो जाते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता, जो कहीं ना कहीं मुझे पता है। लेकिन आज हम इसको टेस्ट आउट करके देखते हैं कि क्या सीन है, क्योंकि मुझे बहुत ही वो मजेदार सी वीडियोस लगती हैं जिसमें आप अप्लाई करें, उसके बाद छोटे छोटे से सीड्स आ जाए और आपकी स्किन स्मूथ हो जाए। ऐसा हो तो मतलब क्या ही बात है, बाकी सारी जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमको आग लगा देते हैं। यहाँ के मैं वीडियो चला दूंगी, जल्दी से चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये आता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्लींजिंग एंड ब्यूटिफाइंग सॉलिड। अच्छा इसको अब हम खोलेंगे। मैंने कसम से खोल के नहीं देखा, मैं आप लोगों के सामने देख रही हूँ, मैं ऐसे वीडियोस में देखा हुआ है। ये इस तरह की कुछ इसकी स्टिक टाइप पैकेजिंग है। इसके अंदर आपको मिलती है 40 ग्राम प्रोडक्ट, जैसे क्रायोलन की स्टिक ओपन होती है ना, उस तरह से ये वाली खुलेगी। इसके ऊपर ये कुछ प्लास्टिकी टाइप सरफेस है, ये ऐसे करके रिमूव हो गई और नीचे से हमारी स्टिक निकल आई है। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैं बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर आपको कितना प्रोडक्ट मिलता है। ये देखिए, काफ़ी है। ओ ख़त्म। तो इसके अंदर आपको मिलता है इतना प्रोडक्ट और ये अंदर नहीं जा रही अब। ये आ गई जी इसकी पैकेजिंग। अब हम इसको फेस पे अप्लाई करके देखते हैं। प्लीज़ मेरी स्किन पे कुछ और ना, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने डीएम किया था जब मैंने ये वाली स्टिक अनबॉक्स की थी कि इसको अप्लाई मत कीजिएगा, इससे स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं। लेकिन करेंगे हम करेंगे। बहुत ही ना ठंडी ठंडी सी फील आ रही है इसकी। फौरन से मैंने स्किन को टच किया तो ऐसे फील हुआ है जैसे ना मिंटी सी खुशबू, और बहुत ही ठंडा ठंडा फील हो रहा है स्किन पे। ठीक है, अब मैं इसको 10 मिनट के लिए इसी तरह से रखूंगी और 10 मिनट के बाद देखते हैं कि मेरी स्किन पे वो वाले बीज उगते हैं या नहीं उगते। और अगर ना उगे ना, पता नहीं क्यों लगाने के बाद ना मुझे हल्की हल्की सी ना इचिंग स्टार्ट हो गई है यहाँ पे कभी यहाँ हो रही है, कभी यहाँ हो रही है। लेकिन वैसे फेस पे बड़ा ठंडा सा अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। अल्लाह जी प्लीज़। अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए, कैमरा हिल गया मेरा, 10 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसको उतारूंगी। वो वाला जो सीन होता है ना, जो आपको वीडियो में नज़र आता है कि छोटे छोटे से आपकी स्किन पे पता नहीं क्या बीज उगाते हैं, मैं तो उसको वही कहती हूँ कि ये क्या बीज उगाए हैं स्किन पे। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ मेरी स्किन के ऊपर नहीं आया। इचिंग थोड़ी सी मुझे हुई थी लेकिन ठीक है, कोई इतना खास मसला नहीं है। अब इसको रिमूव करके देखते हैं कि ऐसा ऐसे मेरी स्किन के साथ क्या किया। फेस को अच्छे से ड्राई करके मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी, क्योंकि ना मेरा फेस बहुत ही ड्राई हो गया है। फेस को मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है, हल्का सा टिंट अप्लाई कर दिया वॉश करके, और अब आते हैं जी इसके फाइनल वर्डिक्ट पे। तो आप लोगों को जो वीडियोस में दिखाया जाता है ना कि इसको अप्लाई करते हैं उसके बाद छोटे छोटे से सीड्स आ जाते हैं आपकी स्किन पे, और उसको जब हम रिमूव करते हैं तो नीचे से बिल्कुल क्लियर स्मूथ स्किन निकलती है, उसके अंदर कोई पोर्स नहीं होते, तो वो वीडियोस बिल्कुल गलत हैं। वैसा ये प्रोडक्ट कुछ भी नहीं करती ऐसे ना, मुझे कुछ बहुत अच्छा डिफरेंस नज़र आया अपनी स्किन में, और ना ही इसने मेरी स्किन पे कोई रिएक्शन किया है। तो
अगर आपने वैसे ही शुगर के लिए ट्राई करने के लिए लेनी है तो आप ले सकते हैं। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू गाइज सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें।